जो है आटे में नमक मिक्स करके नमक इधर करो भाई, ठहरो ठहरो मैं देती हूँ, बस थोड़ा सा डालना ये ले। तो फाइका ने तो अपना आटा गूंद लिया है, उसने नमक भी मिक्स कर लिया है। क्या कर रही हो बताओ बाबा? आटा काली हूँ। और ये क्या डाला है? माशाल्लाह से फाइका को तो आटा गूंदना आता है, क्योंकि वो रोज ही हमें आटा गूंदता हुआ देखती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी जो है शाम जो है वो होने वाली है, और आज हम आपसे जो है अपनी जो रात की रूटीन है वो शेयर करेंगे कि हम रात में क्या खाते पीते हैं। तो अभी जो है ना सूरज अभी रात जो है वो हुई नहीं है, बस अंधेरा अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी जल्दी से जो है अपना काम है वो शुरू करते हैं। चलो ठीक है, अभी जो हुज़ैफ़ा उसने भी कहना है कि मैंने आपके साथ ही आटा गूंदना है। जी बेटा जी, तो जल्दी से जो है ना अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। फाइका इसको कुछ नहीं दो, इधर आ गए, इधर आ गए। ने पानी भर लिया है। जैफा जो है वो पहले अपनी साइकिल के पास खड़ा हुआ था, तो अभी वो मेरे साथ ही आ रहा है। ये जो भी पहले जो है ना फाइका को आटा निकाल के दे देते हैं, क्योंकि पहले फाइका ने आटा गूंदना है। छलनी, बस फाइका आपने थोड़ा सा आटा गूंदना, बस तुझे ये वाला ले जाए। चलो मैं देखो ये तो क्या कर दिया है। मैं इधर अंदर आटा निकाल रही थी और फाइका जो है पहले से गूंद रही है। तो फाइका बेटा इसने अपने पानी जो है वो ज्यादा डाला है, तो अभी इसको में से पानी जो है मैं निकाल के ले जाती हूँ। खैर वो नहीं करें ठीक है, आपने भी आटा गूंद। तो फायदा जो है वो कह रही है कि मैंने भी आटा गूंदना है, काफी देर से मुझे कह रही थी कि उसने तो पहले ही मेरे आटा निकालने से पहले ही जो पानी है वो इधर डाल दिया था। जो आटा है जो फाइका गूंदेगी उसकी रोटी हमने फाइका को बना के देनी है, हमने तो खाने नहीं है। तो इसने पहले ही जो है ना इसमें पानी डाल दिया था, तो पानी जो है वो सारा मैं निकाल लेती हूँ अपने आटे में, क्योंकि इसने सारा आटा जो है ना पतला कर दिया। तो मैं इसको दोबारा से बना के देती हूँ और फिर मैं बाद में अपना जो है ना आटा गूंदूंगी। अभी इसमें फाइका आपने पानी नहीं डालना, ठीक है ना? तो आज हम ना फाइका को ना आटा गूंदना सिखा रहे हैं। आटा गूंद रही हूँ। फाइका क्या कर? तो अभी जो है ना मैं आटा आटे में डाल रही हूँ पानी। मैं तेन बच्चे नहीं है कि वह गूंदना। तो फायदा जो है वो काफी दिनों से मुझे कह रही थी कि मामा मुझे आटा गूंदना जो है वो सिखाओ, तो मैंने कहा कि आज जो है ना आपको आटा गूंदना सिखा रही हूं। अच्छा नमक, नमक पहले अभी ठहरो ना, अभी इसको गूंद तो लो। तो ये हमसे आटा रोज ही ऐसे आटा लेके गूंदती हैं दोनों, फजर और फायका दोनों। तो फायका फजर जो है अभी वो घर पे नहीं है, वरना वो भी मुझसे मांग के कहती कि आंटी मुझे भी आटा, तो मैंने भी गूंदना है। तो क्योंकि मैंने नमक इसमें मिक्स करना है, हम जो है आटे में नमक मिक्स करते हैं। करो, नमक सीधा करो।
नुमा किधर भाई ठहरो ठहरो मैं देती हूँ आपको बस थोड़ा सा दाना ये तो फाइका ने तो अपना आटा गूंद लिया है उसने नमक भी मिक्स कर लिया है क्या कर रही हो बताओ बाबा आटा खा रही हूँ और ये क्या डाला है माशाल्लाह से फाइका को तो आटा गूंदना आता है क्योंकि वो रोज ही हमें आटा गूंदता हुआ देखती है देखो मेरे हाथ हाँ हाथ भी आपके खराब नहीं होंगे बिल्कुल ठीक तुम्हारे हाथ खराब होते नहीं मेरे हाथ भी खराब नहीं होते फाइका कह रही है कि मेरे हाथ जो है ना वो बिल्कुल भी खराब नहीं हुए नहीं खराब हुए अभी धो लेंगे ना बाद में धो लेंगे दस तो सही क्या कर रही हो रोटी बना रही हूँ सर के ऊपर दुपट्टा जो है ना वो करके आटा गूंथे और आपने तो सर के ऊपर से दुपट्टा उतार दिए हुज़ैफ़ा खान भी पहुंच चुके हैं अभी पता नहीं वो क्या करते हैं हमारे साथ क्या मसला है तो मैंने जो है ना आटा गूंथ लिया फाइका तो भी गूंथ रही है क्योंकि उसने रोटियां बनाते वक्त आप गूंथते ही रहना जरा भी जुड़ के बैठ रहा है आटा गूंथने के लिए तो फाइका ने मुझसे पहले ही आटा गूंथ लिया और वो रखने के लिए चली गई है अंदर ये क्या डाल रही हो ऊपर आटा है और कंदूरा डाल रही हो तो फाइका ने आटा गूंथ लिया और ऊपर भी कंदूरा डाल दिया खाने बाबा